दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, खूंटी के कर्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान पाठशाला का किया उद्घाटन। खूंटी के कर्रा प्रखंड में 25 एकड़ में फैली किसान पाठशाला का शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने किसान पाठशाला का भ्रमण भी किया। यहां गोपालन, बतख पालन और ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखा। किसान पाठशाला में उन्होंने पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के 80% लोग खेती बाड़ी पर आश्रित हैं। सरकार ने समय पर किसानों को बीज खाद दिए, लेकिन मौसम में बदलाव आया और राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति है। पीएम मोदी आज करेंगे रोजगार मेला की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियुक्ति अभियान को लॉन्च करने के साथ ही देश भर में 50 केंद्रीय मंत्री लगभग 20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि रोजगार मेला के तहत विभिन्न प्रकार के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए चयनित लोगों में से कुछ को शनिवार को ही नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। दोस्तों गुमला से बड़ी खबर सामने है। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। झारखंड के गुमला व लोहरदगा का मार्ग पर स्थित घाघरा प्रखंड के टोटाम्बी केंटोली के समीप शुक्रवार देर शाम भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। 12 चक्का लाइन ट्रक ने 2 बाइक पर सवार 5 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक जीवन व मौत से जूझ रहा है। खबरों को माने तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग गुमला से घाघरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लाइन ट्रक ने दोनों मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, उसके बाद यह खतरनाक घटना हुई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 को मिली मंजूरी। झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 को मंजूरी दी गई। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के पत्रांक 2926 दिनांक 29 अगस्त 2006 द्वारा निर्गत निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति संपुष्टि के संबंध में दी गई। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान शिक्षा संवर्ग नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। दीपावली के दिन भी झारखंड में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में दीपावली के दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 25 और 26 अक्टूबर को झारखंड के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 अक्टूबर को झारखंड से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है। लगभग 4 महीने 2 दिन झारखंड में रहने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को झारखंड से विदा हो गया। मानसून के जाने के बाद अब मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 24 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड में 10,000 पदों पर भर्ती हेमंत सरकार ने तय किया परीक्षा का पैटर्न। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा व तकनीकी श्रेणी के कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तैयार हो गया है। साथ ही जिन विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया है। इससे झारखंड में लगभग 10,000 डिप्लोमा एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा पद या सेवा एक पत्र की होगी। 3 घंटों की परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 180 होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। इस तरह के अभद्र बयान परेशान करने वाले हैं, खासकर ऐसे देश के लिए जिसकी पहचान लोकतांत्रिक और धर्म तटस्थ रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने इन राज्यों के पुलिस प्रशासन से अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अपराधों की जहां अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को बेहद गंभीर मुद्दा बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को निर्देश दिया कि वे औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने का भी आदेश दिया। मार्च में होगी झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा। झारखंड में जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च में होगी। इसके बाद 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। सभी परीक्षा एक टर्म में होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसके बाद 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 40% अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसकी परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। 40% अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय होंगे। यह परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। परीक्षा के लिए JCERT एक सेट मॉडल प्रश्न तैयार कर उसे जैक को भेजेगा। 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी। साथ ही जहां एक साथ 2 से 3 विषय की परीक्षा ली जाएगी। झारखंड में खोले जाएंगे 100 किसान पाठशाला। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कर्रा किसान पाठशाला की तर्ज पर झारखंड में 100 किसान पाठशाला खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के 80% लोग खेती बाड़ी पर आश्रित हैं। सरकार ने समय पर किसानों को बीज खाद दिए, लेकिन मौसम में बदलाव आया और झारखंड के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति है। उन्होंने कहा कि किसान पाठशाला में किसानों को बताया जाएगा कि बदलते मौसम में वे किन नए फसलों तथा यथा ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी समेत अन्य फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अपनी आय बढ़ा सकें। इसका प्रशिक्षण किसान पाठशाला में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नौकरी से अधिक पैसे सही ढंग से खेती कर कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान पाठशाला की सफलता देख विरोधियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वे कह रहे हैं कि किसान पाठशाला में लूट हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे लोग नहीं चाहते कि यहाँ के किसानों का विकास हो। ओडिशा में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी जानकारी रक्षा अधिकारियों ने दी। इस मिसाइल का परीक्षण शुक्रवार को सुबह लगभग 9:30 बजे हुआ। गौरतलब है कि पनडुब्बी INS अरिहंत से शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया था। बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य साधा गया था। इसने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यह भारत की विश्वसनीयता, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति को ध्यान में रखकर मजबूत, टिकाऊ, सुनिश्चित जवाबी क्षमता है। यह पहले उपयोग न करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खबरों को माने तो ठोस ईंधन युक्त मिसाइल ने तय सभी मानकों को परीक्षण के दौरान पूरा किया। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 2119 नए मामले। 21 अक्टूबर यानी शुक्रवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2119 नए मामले सामने आए। इससे पहले 20 अक्टूबर को 2141 नए मामले सामने आए थे, जबकि 19 अक्टूबर को 1946 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3805 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.06% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई है, जबकि पिछले दिनों हुए 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी राज्य सरकारों ने की है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में 2582 बताई गई है। यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो है 1.13%। गौरतलब है कि अब तक लगभग 90 करोड़ की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में
188,220 सैंपल की जांच की गई। पीएम मोदी ने रखी केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम पहुंचे। चमोली पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का दौरा किया और एक पारंपरिक पहाड़ी पोशाक चोल डोरा दान करते हुए पवित्र मंदिरों में से एक में पूजा की, जो उन्हें हिमाचली महिलाओं द्वारा राज्य के दौरे के दौरान उपहार में दिया गया था। पीएम मोदी दिन में पहले देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी और उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य समाधि जल स्थल का दौरा किया। उन्होंने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ विकास कार्यों की प्रगति भी समीक्षा की। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।